हाँ तो गाइस वेलकम है आपका नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ग्रैंड आरपी सर्वर में कार रॉब करते हैं या कार रॉबरी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक टैटू चाहिए जो कि फेस पे टैटू बनता है एक, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैटू शॉप जाएंगे, यहाँ पर ये ग्रैंड ओशन हाईवे वाली टैटू शॉप है, टैटू शॉप नंबर 2। तो यहाँ चलते हैं, पहले मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपके लिए। ओके, देखिए टैटू शॉप 2 के पास जाने के बाद हमें अंदर जाना है, और यहाँ पर हमें बैठने के लिए तो सबसे पहले अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो डरिए मत, कपड़े उतारिए, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आई वॉन्ट टू गेट अ टैटू। टैटू लेने के बाद आप देखिए मेरे फेस पे, आपको ये वाला एग्जैक्ट टैटू चाहिए, और इसके लिए आपको $50,000 लगेंगे। बहुत महंगा टैटू है, बट ये प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है इसमें। तो ये करने के बाद आपको आगे जाना है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपके लिए। और आपको ढूंढना है ये टैटू, कि $50,000 का किलर टैटू होगा। ये टैटू मिलने के बाद आपको ये करवाना है अपने फेस पे, ठीक है। तो फेस पे करवाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ मैं। How do oil on canvas, you know, besides cock beard? उसके बाद आपको 1 स्टार चाहिए, जो कि आपको फ्रेंड के पास जाके अपने किसी भी या किसी भी रैंडम बंदे के पास जाके उसे आरपी करके उस पर जी दबाना है, एंड बेसिक एक्शन और रॉब करना है उसको। रॉब करने के बाद वो भागेगा, और राइट साइड पे आपको 1 स्टार मिल जाएगा इजीली एक रॉब करने से, ठीक है। तो जैसे ही आप रॉब कर लो, आपके पास 1 स्टार आ जाए, उसके बाद आपको जाना है पुलिस स्टेशन। आप खुद को सरेंडर, हमें जेल जाना है मेनली। तो पुलिस स्टेशन जाने के लिए आपको बड़ा सा ब्लू मार्कर, ब्लू स्टार होगा मैप में, वहाँ जाना है। ये देखिए जहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ये MRPD है, इस शहर के अंदर ये हॉस्पिटल के पास ही आपको मिल जाएगा। तो ये अपनी गाड़ी पार्क करके हम अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे एक NPC दिखेगी, उसके पास जाके आपको करना है सरेंडर। आई वॉन्ट टू सरेंडर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सरेंडर, और सरेंडर पे क्लिक करना है। आप 5 मिनट के लिए जेल में आ जाएंगे 1 स्टार के लिए। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा देर के लिए आ सकते हो आप। तो अंदर आने के बाद आपको जेलर को कॉल करना है। जेलर यानी रियल बंदे होते हैं यहाँ पर, पुलिस वाले बोल सकते हो आप। तो उनसे बात करनी है आपको। हाँ तो गाइस, जेलर अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको अपना टी दबाना है, RP में जाना है, और यहाँ पर लिखना है। अगर आपके कोई सुन नहीं रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑफिसर कैन यू कम अप। अगर कोई वहाँ ऑफिसर है बट वो स्टिल आ नहीं पा रहा है, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप यहाँ पर लिख के भी उसको बोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया अभी, ठीक है। तो ये करने के बाद ये आता है मेरे पास, सी। तो वो देखिए, वो आ रहा है, वो मेरे पास ही आ रहा है, मेरा वो पढ़ के। चलते हैं, इसके साथ चलते हैं। लॉन्ड्री रूम याद रखना फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना है जेलर के साथ, वो आपको लेके आएगा। और याद रखना कि आज जब आप लॉन्ड्री रूम जाएगा, आपका टाइम कम बचाओ, तो वो आपको सर्च भी ना कर पाए अगर आप बाहर निकल रहे हो। तो आपको ऐसे जाना है लॉन्ड्री रूम, वो आपको लेके जाएगा। ओके, लॉन्ड्री रूम ये मिडल आप कैबिन देख रहे हैं, इसके राइट साइड पे है। कैबिन देखिए यहीं पर, इसके पीछे, एग्जैक्ट पीछे, राइट साइड पे नहीं, एग्जैक्ट पीछे है। तो ये आपको, मुझे जेलर था ये लेके जाएगा। ये रियल बंदा है, तो ये वहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेंगे ऐसे रियल बंदे जो आपको लेके जाए। ऐसे लॉन्ड्री रूम ये एक तरह से RP है एक, तो लॉन्ड्री रूम उनको बोलना है कि मेरे क्लोथ्स डर्टी है तो मुझे लॉन्ड्री रूम जाना है। तो लॉन्ड्री रूम जाने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड में NPC दिखेगा यहाँ पर, जैसे मैं आया, थोड़ी देर में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मेरा जब मैं ख़रीदूँ तो डायरेक्ट मैं जेल के बाहर आ जाऊँ, टाइम बचाऊँ मेरा।
यहाँ पर लेफ्ट में एक एनपीसी होगा थॉमस थेफ्ट, आपको इसके पास जाना है और आपको वहाँ चार ऑप्शन दिखेंगे, अभी मुझे तीन दिख रहे हैं, मैं चौथा आपको बताता हूँ। चौथा आपका होगा इसको सिगरेट्स देने का, अगर आपके पास सिगरेट नहीं होगी तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सिगरेट देनी है इसको, और उसके बाद ये आपको ये वाला मेन्यू खोल देगा जो जैसा मेरे पे है एग्जैक्ट ऐसा। उसके बाद आपको जाना है टेल अस हाउ यू रॉब व्हीकल्स, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ से ख़रीदनी है चीज़ें, हाउ टूल्स यू हैव जो भी है, तो यहाँ से आपको टूल्स ख़रीदने हैं। इससे एक कार स्कैनर आप ख़रीद लो, लेवल वन का ये स्टार्टिंग है क्योंकि आपकी लेवल वन, और साथ में लॉक पिक्स ख़रीद लो जैसे मैंने यहाँ पर ख़रीद दिया। एक लॉक पिक एक कार ड्रॉप करती है और वो फिर वो टूट जाती है, तो जितनी कार आपको ड्रॉप करनी हो, मान लो फिर आना पड़े तो एक साथ काफ़ी ख़रीद लो। तो यहाँ मैंने 15 ख़रीदी है, इसके बाद का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो देखिए अब मैं प्रिजन के बाहर आ चुका हूँ, तो ऐसे प्रिजन के बाहर आ जाओगे आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाना है व्हीकल थेफ्ट पे, ये येलो कलर का मार्कर होगा ऐसा, व्हीकल थेफ्ट नाम का, तो यहाँ पर जाना है आपको, दिखाता हूँ उसके बाद क्या करना है आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ पहुँच गया, इस गेट के अंदर जाना है और यहाँ पर एक एनपीसी खड़ा होगा, एनपीसी के पास जाकर आपको उससे बात करनी है और ई दबाना है उसके पास, आर्ची थेफ्ट का, ठीक है। तो इसके पास जाके आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू हैव फॉर मी, तो यहाँ पर आप जब जाओगे और इस पर क्लिक करोगे वो आपको गाड़ी का नाम बताएगा कौन सी गाड़ी छी आपको ढूंढनी है। तो गाड़ी का नाम है रेट लोडर, मुझे जैसे मिली है, ठीक है। अगर आपको गाड़ी वो नहीं मिल रही बहुत टाइम तक, और इसका कोई टाइम लिमिट होता है, आई थिंक 10-15 मिनट के अंदर ढूंढनी है, अगर वो नहीं मिल रही आपको तो आपको उसके बाद क्लिक करना है आई वॉन्ट टू चेंज कार, जो सेकेंड ऑप्शन था, चेंज कर सकते हो आप कार को, ठीक है। तो उसके बाद जब मिलने के बाद अगर आपको कार नहीं मिल रही है बहुत टाइम तक, तो एक कार स्कैनर यहाँ पर यूज़ आएगा। कार स्कैनर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे यूज़ होगा। तो आपको इन्वेंट्री खोलनी है अपनी, कार स्कैनर पे जाना है और उसको यूज़ करना है। राइट साइड में आप देखिए लोकेटर, तो यहाँ पर आपको घूम घूम के हर जगह ये करना होगा। अगर आपको इन्वेंट्री नहीं खोलनी तो इसको अपने हॉट की पे लगा लो, जैसे मैंने अभी 2 पे लगाया, और मैं बार बार देखो जैसे दबा रहा हूँ ये घूमते घूमते, तो वो आ रहा है। गाड़ी मिलने के बाद आपको उसमें बैठना है और अपनी लॉक पिक को यूज़ करना है, हॉट वायर करना है, उसके बाद 10 मिनट तक घुमाना है इधर उधर या फिर कहीं छुपा के रखना है ताकि पुलिस वाले ना ढूंढे, और उसको फिर डिलीवर कर देना है। तो टोटल गाड़ी जितने की भी वर्थ होगी, गवर्नमेंट वर्थ होगी उसकी, तो उसका 10% आपको मिल जाएगा, यानी 1 मिलियन की गाड़ी है तो 100K ईजिली मिल जाएंगे। और महंगी महंगी गाड़ियाँ जितने आप करते रहोगे उतनी महंगी महंगी गाड़ी आपको मिलती रहेगी करने के लिए। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज़ शेयर कर देना चैनल, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।